हेलो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार। तो अभी है दिनेश्वर मार्केट की तरफ से निकल रहे हैं। देखिए गाड़ी में हम लोग, ये दिनेश्वर मार्केट की तरफ से निकल रहे हैं हम लोग। सुबह के बज रहे 11, सो 11 बजे हम लोग निकले हैं फ्रेंड्स। 5-6 घंटे लगेंगे हरिद्वार पहुँचते। सो ये है हरि मंदिर। दोराहा का रोड, कोशी नदी, काशीपुर बाईपास में, आई थिंक काशीपुर बाईपास ही है। बहुत बड़ी नदी है। काशीपुर क्रॉस कर लिया हमने, तो अभी आएगा टोल। सो फ्रेंड्स, ये है टोल प्लाजा। तो हम फास्टैग बनवा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें जाकर वापस भी आना है। तो ये फास्टैग का ऑफिस जहाँ पे बनता है टोल टैक्स का ऑफिस, फास्ट ट्रैक बनाएंगे उसके बाद ही जाएंगे। ये हमारी गाड़ी और तो फ्रेंड्स, हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार। तो आप देख सकते हैं शेरावाली माता का एक बड़ा सा मूर्ति है। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड थोड़ी सी ख़राब है, बट कोई नहीं, पहुंच चुके हम लोग हरिद्वार। तो ये है एंट्रेंस हरिद्वार सीधा जाना है। सो फ्रेंड, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। 2 साल पहले मतलब इतना फ्लाईओवर वगैरह नहीं था, बट अभी रोडें वगैरह बहुत अच्छी है। अगर आपको आना है तो कनेक्टिंग आप डायरेक्ट रुद्रपुर से 5 आवर्स में पहुँच जाओगे आराम से। तो देखिए काला पेंटिंग वगैरह बनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप आएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है और कैसा आपको लगता है हरिद्वार आके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और हमने बहुत एंजॉय किया है रोड में आते टाइम। ये पेंटिंग हमें बता रहा है कि कितना मतलब स्पिरिचुअल जगह है ये। तो अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो यहीं से दिख रहा है पूरा हरिद्वार का व्यू। अभी आने वाली है प्रिया। देखिए यहाँ से जो दिख रहा है ना, बहुत बड़ा शिव जी की मूर्ति है। ये बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, दूर से ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप पास में जाओगे तो मतलब यहाँ पे आप जाके दर्शन भी कर सकते हो। गार्डन की तरह बनी हुई है। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार मेन मार्केट में। अभी यहाँ पे हम जाएंगे, होटल तो नहीं कहते यहाँ पे आश्रम कहते हैं, तो वही आश्रम ही लेंगे हम लोग। यहाँ पे होटल कहीं मैंने देखा नहीं फ्रेंड्स, सारे जगह का नाम आश्रम ही बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्टे करते लोग। तो अभी हम जा रहे हैं आश्रम की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पूरा हिल के साइड में, यहाँ से रेलवे स्टेशन भी एकदम पास में है। तो अभी हम थोड़ा स्टे करेंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे हम गंगा जी की आरती देखने। तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग। एक्चुअली हमें 2 दिन के लिए रहना है यहाँ पे। 2 दिन रहना है तो हम ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल एरिया हो, क्योंकि मम्मी पापा भी हम लोगों के साथ में ही है। तो हम आ गए हैं आश्रम। तो ये है मेन गेट, अभी चेक इन करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं गंगा जी की आरती के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हर की पौड़ी। हम शाम को आए हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए। देखिए
कितना प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग है देने के मानन था। गंगा जी देखिए फ्रेंड्स, अभी भी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं हरिद्वार का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है शाम को। अभी आपको ये जो लाइट लग रही है छोटी सी, ये है मनसा देवी का मंदिर, हिल पे है जिसमें हम कल जाने वाले हैं, बट अभी आपको जूम करके दिखा रहे हैं। इतना ऊपर है तो अभी हम थोड़ा सा हर की पौड़ी में घूम ही रहे हैं, शाम को बहुत ही अच्छा लग रहा है। गंगा जी का दर्शन करते हुए सब लोग, पूरे दिन थोड़ा थकान सी हो गई है, गाड़ी में बैठ के आए हैं इतने मतलब दूर से, अब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम आ चुके हैं रात का खाना खाने। तो ये एक फेमस होटल, बंगाली होटल है दादा बोधी के नाम से। तो जो कोई हरिद्वार आता है फ्रेंड्स, यहाँ से खाना ज़रूर खाता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है यहाँ पे हमेशा। तो यहाँ पे खाने को आपको कम से कम 6 से 7 आइटम मिलता है। देखिए सब हम बैठ गए बुक करने से, पूरे दिन खाया नहीं तो खाने में लगे अभी। तो यहाँ चावल, भाजी, सब्जी, दाल, पापड़ सब मिलता है। ये मम्मी है, पापा जी है, ये मम्मी जी, सब लोग खा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स खाना खा के हम जाएंगे रेस्ट करने। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड्स कमेंट शेयर ज़रूर करना, एक ज़रूर लाइक करना अगर पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।